तो गाइस कैसे हैं आप लोग। और गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिवर्सरी चैलेंज के बारे में। तो ये जो एनिवर्सरी चैलेंज है वो दो वे में डिवाइड हो चुका है। ये एक वे है रेट्रो रॉयल और दूसरा वे है मॉडर्न रॉयल। तो दोनों के लिए मैं आपको बेस्ट डेक बताऊंगा और मॉडर्न रॉयल के स्पेशली मैं आपको रिप्लेस भी दिखाऊंगा। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे अभी चेस्ट ओपनिंग हो चुकी है और चलिए गाइस हम अपने फर्स्ट मैचअप में हॉप इन करते हैं। तो जैसे कि आप देख ही पा चुके होंगे कि मैं 6-0 गया हूँ। तो 6th विन पे हॉप इन करते हैं और फिर मैं आपको डेक भी दिखा दूंगा और आप इस मैच में भी डेक देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है और यहाँ पे मैचअप स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा जो डेक है वो काफ़ी बढ़िया है, ऑल लेजेंडरीज है, सिर्फ एक उसमें लेजेंडरी नहीं है, वो है बैट्स। और इसमें गाइस इन्फर्नो ड्रैगन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो सकता है क्योंकि इन्फर्नो ड्रैगन का कोई ज़्यादा बढ़िया काउंटर नहीं है इलेक्ट्रो विजर्ड और बैट्स को छोड़ के। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने माइनर साइकिल से करी, पीछे से बैट्स ड्रॉप किए। तो ये बढ़िया मैचअप था, थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा ही मुश्किल कहूँगा क्योंकि ज़्यादा मुश्किल मैचअप आ नहीं रहे हैं इस रेट्रो रॉयल में। तो देखिएगा इस ईविस को कितनी बढ़िया वैल्यू मिलेगी इस मोमेंट पे और इन्फर्नो ड्रैगन भी टेक डाउन कर देगी ईविस। और बहुत बढ़िया मैचअप था गाइज, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था पर डिसेंट मैचअप था और बाकी के मैचअप्स तो गाइज काफ़ी इजी थे। तो 6-0 गया हूँ मैं इस चैलेंज में और यहाँ पे बैंडेड ड्रॉप किए। तो मेरे पास बैंडेड को काउंटर करने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं तो मैंने बैट्स डाल दिए और फिर माइनर साइकिल कर दिया और दूसरे लेन से डबल लेन पुश आप कर सकते हैं गाइज बड़े आराम से क्योंकि ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं इस डेक से आपको अपने अपोनेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने रॉयल गोस्ट ईविस को काउंटर करने के लिए और बैट्स को भी काउंटर करने के लिए। गाइस कुछ ज़्यादा बढ़िया है नहीं तो बैट्स मैं रिकमेंड करूँगा कि बैट्स आप ज़रूर लेके जाएं। और यहाँ पे बैट्स को थोड़ी सी चिप डैमेज मिल गई और अब मैं इन्फर्नो ड्रैगन साइकिल करता हूँ बैक से और यहाँ पे आई गेस मैं मैगनाइट ड्रॉप करूँगा। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली मैंने क्या किया था बट आई गेस हाँ मैंने मैगनाइट ही ड्रॉप किया था और यहाँ पे मैगनाइट मैंने ड्रॉप कर दिया। मेरे को पता है उसके पास कुछ ज़्यादा सॉलिड आंसर नहीं है मैगनाइट के लिए तो मैगनाइट ही ड्रॉप किया मैंने। यहाँ पे उसने इन्फर्नो ड्रैगन डाल दिया और मेरा इन्फर्नो ड्रैगन भी है तो उसका इन्फर्नो ड्रैगन टेक डाउन हो जाएगा। उसके एग्जीक्यूशनर की काफ़ी लो हेल्थ बचेगी और यहाँ पे लॉक टेक केयर कर लेगी एग्जीक्यूशनर का। माइनर को काफ़ी चिप डैमेज मिलेगी और उसने बैंडेड डाल दिया है काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पे आई गेस मैंने भी अपना माइनर वो बैंडेड और रॉयल गोस्ट ड्रॉप कर दिया था और यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव चला गया अपोनेंट और थोड़ी सी और वैल्यू मिल सकती थी मेगानाइट को पर मेगानाइट पहले साइकिल में नहीं था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हुई। तो यहाँ पे माइनर अगेन मैंने डाल दिया और फिर बैट्स को उसके काफ़ी अच्छी वैल्यू मिली और यहाँ पे मेगानाइट हिट कर देगा और यहाँ पे टावर डाउन हो जाएगा। 30 सेकंड बचे हैं गाइस और ये गेम अभी हमारे हाथ में आ चुकी है। तो यहाँ पे वो काफ़ी एग्रेसिव चले जाता है और मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि वो इतना एग्रेसिव चले जाएगा और यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव गया बट स्टिल वी वर एबल टू डिफेंड क्वाइट वेल। और यहाँ पे इलेक्ट्रोविज़र्ड भी काफ़ी डैमेज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोविज गाइस मेन है इस डेक का तो इलेक्ट्रोविज रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डेक में। रॉयल गोस्ट भी काफ़ी चिप डैमेज करता है और क्योंकि वह इनविजिबल होते तो काफ़ी फ़ायदा भी है। तो यहाँ पे लॉक की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे बैट्स डाल दिए पीछे से जस्ट फॉर सेफ्टी। और यहाँ पे गाइज विन हो चुका है हमारा ये मैच। और चलिए गाइज मैं आपको डेक भी दिखा देता हूँ एक बारी और रिप्लेस में से ही दिखाना पड़ेगा गाइज आपको डेक। तो यहाँ पे आप देख पाते हैं गाइज डेक मेरा है रॉयल गोस्ट है, माइनर है, इलेक्ट्रो विजर्ड है, इन्फर्नो टावर है, लॉग है, अपना मेगानाइट है, बैंडेट है और बैट्स है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेक है गाइज। 6-0 गया हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर। 6-0 में मेरे को कोई नहीं हरा पाया मॉडर्न रॉयल में। और चलिए गाइज नेक्स्ट रीप्ले में भी हॉप इन करते हैं। तो ये 5th विन का रीप्ले था और गाइज इसमें भी काफ़ी बढ़िया तरीके से विक्ट्री करी थी। और यहाँ पे चलते हैं गाइज, यहाँ पे आई गेस वो स्टार्ट करता है, हाँ फायर स्पिरिट्स फरने से स्टार्टिंग करता है वो और यहाँ पे प्रिंसेस डालता है। तो गाइज लॉग भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉग को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती है मॉडर्न रॉयल में और क्योंकि कार्ड्स गाइज ऐसे हैं तो काफ़ी वैल्यू मिलती है। तो थोड़ी सी लेट हो गई लॉग
वरना लॉक को काफ़ी बढ़िया वैल्यू मिलती। तो अपोनेंट के पास वो भी है, क्या कहते हैं, डार्ट गॉबलिन है और साथ में जैसे कि आपने देखा प्रिंसेस है, तो लॉक को काफ़ी बढ़िया वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे बैंडिट कनेक्ट हो गया डैश करके और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है माइनर साइकिल में, तो लंबरजैक काफ़ी डैमेज कर जाएगा। तो मैंने सोचा था कि इलेक्ट्रो विजर्ड ड्रॉप करूँ पहले, पर माइनर ड्रॉप करना सही रहा और यहाँ पे माइनर जीत जाएगा अगर माइनर वर्सेस लंबरजैक है। और अगर आपका प्रिंसेस टावर हेल्प कर रहा है तो हमेशा माइनर ही बैटल जीतेगा। तो यहाँ पे रॉयल गोस्ट को थोड़ी सी चिप डैमेज मिल जाएगी, 3 से 4 हिट रॉयल गोस्ट कर जाता है और यहाँ पे लॉग करने का काफ़ी फ़ायदा रहा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मैं ईविस ड्रॉप करूँगा तो उसने फायर स्पिरिट्स भी ड्रॉप कर दी, तो शायद रॉयल गोस्ट एक हिट कर जाएगा, एक हिट कर गया यहाँ पे और 542 हेल्थ बची है अपोनेंट के टावर की। और यहाँ पे वो थोड़ा सा एग्रेसिव फिर गया। तो जैसा मैंने एक चीज़ नोटिस करी है गाइज इस चैलेंज में, कि ये जो चैलेंज है वो सिर्फ इलेक्ट्रो वैली में हो रहा है, तो ये सिर्फ एक ही अरीना में हो रहा है। आई डोंट नो गाइज आपने नोटिस करी है यह बात या फिर नहीं, तो ये जो चैलेंज है वो सिर्फ इलेक्ट्रो वैली में हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इलेक्ट्रो वैली भी मेरे को बढ़िया लगता है अरीना। वैसे तो लेजेंडरी अरीना में ही हूँ गाइज, भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे रॉयल गोस्ट आ रहा है हमारे टावर की तरफ, तो मैगनाइट को गाइज काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी इस मोमेंट पे। और यहाँ पे गॉबलिंस कह रहा हूँ, फायर स्पिरिट्स को भी किल कर दिया मैगनाइट ने, तो काफ़ी बढ़िया वैल्यू रही। अभी हम एलिक्सिर में भी लीड कर रहे हैं और काफ़ी इजी मैचअप रहा गाइज हमारे लिए ये। और ये डेक गाइज बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग है मॉडर्न रॉयल में, तो ज़रूर गाइज ट्राई कर सकते हैं आप ये डेक। और ये डेक गाइज आई थिंक सो थोड़ा सा वीक होगा ग्रेवयार्ड के अगेंस्ट, बट ग्रेवयार्ड कोई लायन नहीं है तो आई डोंट नो गाइज, बट ये डेक काफ़ी सॉलिड है और बड़ी आराम से गाइज कोई भी डेक आ जाए बड़ी आराम से डिफीट कर देगा। तो हाईली रिकमेंड करूँगा मैं गाइज आप ये डेक यूज़ करें, 6-0 से जीत जाओगे आप भी। तो गाइज़ यहाँ पे मैच ख़त्म हो ही जाएगा थोड़ी सी देर में। यहाँ पे बैट्स और इन्फर्नो ड्रैगन काफ़ी चिप डैमेज कर रहे हैं और यहाँ पे लॉग भी आई गेस मैं साइकिल कर दूंगा और लॉग को काफ़ी बढ़िया वैल्यू मिली और 3 क्राउन विक्ट्री हो गई गाइस हमारे लिए। और काफ़ी बढ़िया था यार ये मॉडर्न रॉयल चैलेंज, क्लैश रॉयल की एनिवर्सरी थी आई गेस, 4th एनिवर्सरी, पता नहीं 3rd एनिवर्सरी, आई डोंट नो गाइस, बट बहुत बढ़िया रहा गाइस चैलेंज मेरे लिए और ज़रूर ट्राई करें गाइस ये डेक। तो आज की वीडियो के लिए गाइज बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइज वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और गाइज सब्सक्राइब कर ही देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज गुड बाय, पीस।